बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साद सुडानी। वेलकम बैक टू आइडियाज ऑनलाइन लर्निंग सेशन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एंगर मैनेजमेंट और हैंडलिंग एन एंग्री कस्टमर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन वी टॉक अबाउट रिटेल, व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्स। सेल्स में यू कम अक्रॉस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल हु कम फ्रॉम वेरियस डिफरेंट बैकग्राउंड्स, वेरियस डिफरेंट एनवायरमेंट्स, वेरियस डिफरेंट सिचुएशंस, और वो एक मुख्तलिफ एटीट्यूड के साथ आपके पास आते हैं। वो वी रियली वॉन्ट टू डू इज हमें बजाय इसके कि हम कस्टमर के एटीट्यूड से अपना एटीट्यूड डेवलप कर लें, मतलब ये कि जब कस्टमर आपके साथ बहुत फ्रेंडली है तो आप फ्रेंडली हो जाएं, और कस्टमर आपके साथ जब फ्रेंडली नहीं है तो आप अपना वो फ्रेंडली एटीट्यूड आप छोड़कर बिल्कुल उसी तरह से रिएक्ट करने लगते हैं कि जब जैसे कस्टमर आपके साथ रिएक्ट करता है। सो आइडियली एक सेल्स पर्सन की, एक कस्टमर रिलेशनशिप पर्सन की, पर्सनल की ये एबिलिटी होती है कि वो क्रिटिकल टाइम्स में वो काम रहना जानता है, वो अपने आप को तहम्मुल और तसल्ली से रखता है, और बजाय इसके कि सामने वाला जब गुस्सा करता है तो वो खुद से गुस्सा हो जाए, वो खुद से अपना काम और अपना एटीट्यूड जो है वो चेंज कर ले, वो अपने उस सिचुएशन के अंदर वो काम रहना जानता है। और वही चीज़ फिर उसके उसकी सक्सेशन में, उसकी सक्सेस में, उसकी प्रमोशन में, उसकी डेवलपमेंट में उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। कोई कितना ज़्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, कोई किस तरह से अपने एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकता है, ये एक अच्छे और एक बुरे एक सेल्स पर्सन की एक निशानी है। जितना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से अपने अपने एटीट्यूड को, अपने अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को आप कंट्रोल कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप सेल्स में ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो जी चले आज की वीडियो को करते हैं शुरू और डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से सिनेरियोज होते हैं जहाँ पर आपने काम रहना है, जहाँ पे आपने कंपोज्ड रहना है, रादर के आप गुस्सा हो जाएं, आपने एक एक अप्रोच, एक करेक्ट अप्रोच के साथ आपने जाना है और अपने कस्टमर को आपने उसको सेटिस्फाई करना है और उसको काम डाउन करना है। एक कोट है दैट सेज कि व्हेन एन एंग्री कस्टमर कम्स टू यू इट्स नॉट ऑलवेज योर फॉल्ट। व्हाट डज इट मीन कि जब आपके पास कोई कोई कस्टमर गुस्से में होकर आता है तो हो सकता है कि उसके पीछे सीरीज ऑफ इवेंट्स हो, सीरीज ऑफ सिचुएशंस हो, सीरीज ऑफ इमोशंस हो सकता है कि उससे पहले वो किसी किसी शख्स से मिला है। सो इट इज नॉट ऑलवेज यू नो नेसेसरी कि आप ही की गलती की वजह से या आपकी किसी प्रोसेस की गलती की वजह से, आपकी किसी प्रोडक्ट की फेलियर की वजह से वो गुस्से में हो सकता है किसी और वजह से, हो सकता है कि उसका गुस्सा जो है वो अनजस्टिफाइड हो, वो किसी गलत बात पे गुस्सा हो रहा हो सकता है कि वो किसी सही बात पर हो रहा। लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज योर फॉल्ट दैट अ कस्टमर कम्स टू यू विद एन एंग्री एटीट्यूड, विद एन एंग्री इमोशन। बट When the customer leaves your location, when the customer leaves your shop or retail outlet or retail branch angry, that's your fault, that's your mistake. Because आप उस कस्टमर को सेटिस्फाई करने में, आप उस कस्टमर को काम डाउन करने में अपना जो किरदार है, अपनी जो सेल्समैनशिप है, आप उसको इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाए, विच वी अर्ज कि एक अच्छा सेल्समैन खुद काम रहे कि अपने जो कस्टमर्स होते हैं उनको काम रखना जानता है और वो चीज़ें पर्सनली नहीं लेता, वो चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखता है कि यार मसला क्या है, यार प्रॉब्लम क्या है, कि क्या कस्टमर जिस बात पर गुस्सा है क्या वो एक्चुअली हमारा फॉल्ट है, या कस्टमर जिस बात पर गुस्सा है क्या वो कस्टमर की किसी किसी मिस्टेक की वजह से, क्या कस्टमर की किसी मिसहैंडलिंग की वजह से हुई है, तो वो उसको चीज को ऑब्जेक्टिवली देखता है कि यार एक्चुअली मसला है क्या। ठीक है, जब वो ऑब्जेक्टिवली उस चीज को देख लेता है तो फिर अगर तो मसला आपके एंड पर है तो द फर्स्ट रिस्पॉन्स दैट यू शुड डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू व्हाट द कस्टमर इज सेइंग। और लिसनिंग से मुराद यहां पर यह है कि आप बिल्कुल काम रहें, बिल्कुल बगैर किसी इमोशन के आप कस्टमर की पूरी बात को सुने। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कस्टमर जो है वो बुरी लैंग्वेज भी यूज करते हैं, कस्टमर्स एब्यूजिव भी हो जाते हैं, कस्टमर बाज़ औक़ात आपकी नेम कॉलिंग और ब्लेमिंग भी करते हैं,
ताकि आपको गुस्सा आए। जैसे ही आपको गुस्सा आना शुरू होता है, आप कस्टमर के इमोशंस को मजीद फ्यूल करने लगते हैं। मतलब ये कि आप जल्दी के अंदर आप तेल गिराने का काम करते हैं और उसकी वजह से उसकी आग मजीद भड़कने लगती है। सो लिसनिंग जो है, आपके कस्टमर की सारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी को लेकर आया है उसको स्पिट आउट कर देता है। जब कस्टमर उस पूरी एनर्जी को स्पिट आउट कर देता है तो उसके पास फिर मजीद कुछ कहने के लिए रहता नहीं है। और फिर आप जब उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स देते हो बीइंग पॉजिटिव, तो कस्टमर लिसन करता है उस चीज को, कस्टमर समझता है और कस्टमर उस चीज को समझने की कोशिश करता है। सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज ऑब्जेक्टिवली देखें कि क्या वो प्रॉब्लम आपकी तरफ से आया है या वो प्रॉब्लम कस्टमर की किसी मिस हैंडलिंग की वजह से आया। अगर तो कस्टमर की किसी मिस हैंडलिंग की वजह से आया है, तब भी बहुत दफा कस्टमर्स बहुत ज्यादा एंग्री हो जाते हैं अनजस्टिफाइड किसी कंप्लेन को लेकर। तो आप उस कंप्लेन को मुकम्मल तौर पे उसको लिसन करें विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड विदाउट गेटिंग एंग्री योरसेल्फ, क्योंकि अगर दोनों पार्टीज एंग्री हो जाएंगी तो फिर कस्टमर को ज्यादा यू नो मटेरियल मिल जाएगा, उसको ज्यादा कंटेंट मिल जाएगा टू फाइट, तो दैट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर यू। वो आपके लिए फिर उसको हैंडल करना बड़ा मुख्तलिफ मुश्किल हो जाएगा। सो आप कस्टमर की के इमोशंस को फ्यूल ना करो, ठीक हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, जब कस्टमर आपको कोई चीज कहता है तो आप उसको पर्सनली ना लो, उसको पर्सनली ना लो। बहुत दफा जो कॉन्फ्रेंटेशन और बहुत दफा जब ये जो लड़ाइयाँ जब जो बढ़ जाती हैं, जब ये चीजें एस्केलेट होती हैं, तो उसके पीछे वजह ये होती है कि एक सेल्स पर्सन कस्टमर की किसी बात को पर्सनली ले लेता है, ठीक है। बाज़ोकात शायद प्रॉब्लम उसकी तरफ से गया भी नहीं होता, लेकिन फिर भी कस्टमर जो है वो सारी चढ़ाई जो है वो उसके ऊपर कर देता है जो उसकी बात सुन रहा होता है। तो वहां पर आपने कस्टमर की बात को मुकम्मल सुनना है और उसे पर्सनली नहीं लेना, ठीक है। मैं यहाँ एक छोटी सी मिसाल दूंगा और ये बड़ी ही खूबसूरत मिसाल है हजरत अली का, ये वाकया है। आई एम श्योर ये बात समझाने के लिए बहुत जरूरी है। हजरत अली करमुल्ला वजह एक बार कुफार से जंग में लड़ रहे होते हैं, तो कुफार का एक जो सिपाही होता है वो हजरत अली के ऊपर हावी होने की कोशिश करता है और जर्ब लगाता है। हजरत अली जो है वो उसकी जर्ब से बचते हैं और उस पर काबू पा लेते हैं और हावी हो जाते हैं और अपनी तलवार निकाल कर उसके ऊपर जो है उसकी गर्दन उड़ाने ही वाले होते हैं कि उस दौरान वो शख्स जो है वो हजरत अली के मुंह मुबारक के ऊपर वो स्पिट कर देता है, वो थूक देता है और हजरत अली जो है वो पीछे हट जाते हैं और स्टेप बैक ले लेते हैं और अपनी तलवार को एक तरफ फेंक देते हैं। ये हजरत अली की बहादुरी है, ये बहादुरी का वो मंजर है जो कि आम वक्तों के अंदर जो है वो नहीं देखने को मिलता। ये वो मामला है जिस वक्त जान का खतरा है और हजरत अली की तरफ से इस तरह का बहादुरी का ये वाकया आपको देखने को मिल रहा है। मैं एक हदीस को कनेक्ट करूंगा यहाँ पर। हदीस पाक है, अल्लाह के नबी ने अपने एक सिपाही से, एक साथी से पूछा, सहाबा से पूछा कि तुम में से सबसे ज्यादा बहादुर कौन है। तो साहबा ने जवाब दिया कि सबसे ज्यादा बहादुर वो है जो कि अपने दुश्मन को मैदान जंग में पछाड़ दे या अपने दुश्मन को फील्ड के अंदर जो है वो मात दे दे, वो सबसे ज्यादा बहादुर है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो शख्स सबसे ज्यादा बहादुर नहीं है जो कि अपने दुश्मन को हरा दे, बल्कि वो शख्स सबसे ज्यादा बहादुर है जो कि अपने गुस्से पर काबू पा ले, कि जब उसके गुस्सा आ जाए तो अपने गुस्से पर काबू पा ले। दोबारा उस वाक्य पे चलते हैं जो हजरत अली का जो वाक्य है कि उस शख्स ने जब हजरत अली के मुंह मुबारक पर जब थूका तो हजरत अली ने पीछे हटकर बहादुरी का मुजाहरा किया और अपनी तलवार को एक तरफ फेंक दिया। वो शख्स इतना मुतासिर हुआ कि हजरत अली से पूछ लिया उसने कि आपने मुझे क्यों छोड़ा, आप तो एक ही जर्ब में आप मुझे मार सकते थे, आपने मुझे क्यों छोड़ा। हज़रत अली ने फरमाया कि जब मैंने तलवार निकाली थी और तलवार से जब मैंने तुम्हारा कत्ल करना चाहा था तो वो अल्लाह के डर से और अल्लाह की जंग खातिर मैं तुम्हें कत्ल करता, लेकिन जैसे ही तुमने मुझ पर थूका तो उस वक्त मुझे तुम पर गुस्सा आ गया और फिर मेरी तलवार जब तुम पर उठती तो वो मेरे अपने गुस्से की वजह से होती, वो मेरे अपने जो है वो एंगर की वजह से होती और मैं ऐसा नहीं चाहता था, और मैं नहीं चाहता था कि अल्लाह ताला को मैं अपने गुस्से की वजह से मैं नाराज करता, लिहाजा मैंने तुम्हें माफ कर दिया। सो ये वो इनकलाबी, वो
मुजाहिरा है बहादुरी का कि आप हावी भी हो गए हैं, आपके पास मौका भी पूरा है, आपके पास सारी वजूहात हैं, आप सामने वाले को अनजस्टिफाई कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप वार नहीं करते। तो ये आई थिंक बेस्ट फॉर्म ऑफ एंगर मैनेजमेंट है कि आपको पता है कि आपकी गलती नहीं है, आपको मालूम है कि कस्टमर आप पर जो है वो गलत किसी वजह से गुस्से में है, लेकिन फिर भी आप कस्टमर की बात को आप मुकम्मल सुन लेते हैं और तहमुल से और बर्दाश्त से और टॉलरेंस से आप काम लेते हैं और सब्र से काम लेते हैं, और उसके बावजूद आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कस्टमर को आप समझाते हैं। तो ये बहादुरी का वो मुजाहरा है जो हर बंदा हर शख्स नहीं कर सकता, और इसको सीखने के लिए आपको टाइम भी लगता है, आपको वक्त भी लगता है, और आपको वो एटीट्यूड भी चाहिए होता है जो कि ये करने के लिए ज़रूरी है। आई थिंक हज़रत अली का ये वाक़या बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एंगर मैनेजमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं, जब आपने कस्टमर के प्रॉब्लम को ऑब्जेक्टिवली आपने सेट आपने उसको सुन लिया, आपने उनको सुन उनको काम लिया, आपने सुन लिया, एक चीज़ आती है कि बाज़ औक़ात आपने सिर्फ एक पार्शल अग्रीमेंट भी करना होता है कि जब आपको लगता है कि कस्टमर आपको कोई चीज़ कोई जस्ट अनजस्टिफाइड कंप्लेन आपको कर रहा है, आपको पता है कि यार ये गलती आपकी नहीं है, देखिए जब गलती आपकी है तो फिर तो डेफिनेटली आपने सबसे पहले आपने लिसन करने के बाद कस्टमर को अपोलोजाइज करना है, उसको सॉरी कहना है, और वो जेन्युइन सॉरी होना चाहिए, विच मीन्स कि कस्टमर को लगे कि हाँ आप जेन्युइनली आपको आप फील कर रहे हैं कि आप आपकी प्रॉब्लम है, आपकी तरफ से मिस्टेक हुई है और आपकी वजह से कस्टमर को तकलीफ हुई है, आप उसमें अपोलोजाइज कर लें कि सर वी आर वेरी सॉरी, आपको प्रॉब्लम हुई, आपको तकलीफ हुई, हम कोशिश करेंगे आइंदा इस तरह की चीज़ ना हो, और दिस इज़ व्हाट वी कैन डू, और हम ये आपको जो है वो इसके बदले में हम आपको ये प्रोडक्ट एक्सचेंज करके दे रहे हैं, या आपको हम ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप इससे जो है वो आप ये चीज़ बाय कर लें, आप ये चीज़ एक्सचेंज कर लें, आपको इसका फ्रेश प्रोडक्ट दे देते हैं, जो भी है जो भी सोल्यूशन है आप उसको वो सोल्यूशन उसको फौरी प्रोवाइड करें विदाउट वेस्टिंग कस्टमर्स टाइम। वहां तो आपने अग्री कर लिया। अब बात आती है कि वो प्रॉब्लम जहां पर कस्टमर एक अनजस्टिफाइड कंप्लेन लेके आपके पास आता है, तो आपने उसके लिए आपने क्या एटीट्यूड आपने ऑप्ट करना है। तो वहां पे आपने समटाइम्स आपको कस्टमर की बात से एग्री भी करना पड़ता है, और यहां पर कंप्लीट एग्रीमेंट नहीं है, ये नहीं कहना है कि सर जी हमारी प्रॉब्लम है आप लाएं प्रोडक्ट दें हम चेंज कर लें। यहां पर अग्री करने से मुराद ये है कि जब कस्टमर गुस्से में है तो आप एक ऑब्वियसली एक अपने एटीट्यूड से अपने बॉडी लैंग्वेज से आप कस्टमर के साथ एग्रीमेंट शो करें, आप उनको हेड नॉड करके आप ये बता दें कि जी सर मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप उनको उनके साथ एक काम एक बिहेवियर रखें, बजाय इसके कि आप बीच में बोलें आप उनसे उनकी पूरी बात सुनें, ये भी एक फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट है। जब आप उनकी पूरी बात सुन लें तो आप एग्रीमेंट के जमरे में आप ये कह सकते हैं कि सर मैं समझ सकता हूँ कि आपको कितनी प्रॉब्लम हुई है, कि सर मैं समझ सकता हूँ कि अगर मैं भी आपकी जगह होता तो ऑब्वियसली मुझे भी तकलीफ होती। तो ये वो जुमले हैं जो अगर आप कह दें तो कस्टमर की आधी प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व हो जाती है, और कस्टमर ये रियलाइज करता है कि हाँ एटलीस्ट आपने एक्नॉलेज तो किया। उसके बाद फिर आप समझाएं कस्टमर को, देखिए सर ये जो इशू आपने जो रेज किया है हमारे एंड पे हमें ये इंफॉर्मेशन है कि ये इस नहीं इस वजह से हुआ है, और हो सकता है कि इसमें कोई मिस हैंडलिंग जो है वो इन्वॉल्व हो, रादर के आप कस्टमर पे ब्लेम करें, रादर के आप कस्टमर को ही कटहरे में खड़ा कर दें, आप अपनी एक्सपर्टीज से अपनी नॉलेज से आप उन लफ्ज़ों में उन लैंग्वेज से आप कस्टमर को वो बात कन्वे करें कि कस्टमर को वो चीज़ बुरी भी ना लगे, और एट द सेम टाइम कस्टमर को ये रियलाइज भी हो कि कस्टमर की तरफ से कोई नेग्लिजेंस या कोई मिसहैंडलिंग हुई है। मैंने बात कर ली डोंट टेक इट पर्सनली की। एक और चीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखिए गुस्सा होना या गुस्सा आना इज नॉट बैड, ये एक इमोशन है एक नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन गुस्से को शो करना इज समटाइम्स वेरी वेरी बैड, खास तौर पे उन सिचुएशंस में, जैसे मैं अगर बात करूं कि कोर्ट में अगर एक जज दो मुलजमान उसके सामने खड़े हुए हैं, और दोनों मुलजमान में से अगर वो एक एक को जान चुका है कि भाई जुर्म का जो इर्तिकाब है जिसने जुर्म किया है वो ये शख्स है ये फला शख्स है वो जान चुका है, और उसे अंदर से गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को जाहिर नहीं करता, हो सकता है कि आपके अंदर गुस्से की आग हो,
हो सकता है कि आपको किसी चीज के ऊपर आपको इमोशनली आप बुरा सोच रहे हो या आप बुरा फील कर रहे हो, लेकिन आपको वो बुरा फील करना या उसका बुरा जो इमोशंस हैं उसका होना एक गलत बात नहीं है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करना, उसको डिस्प्ले करना उस सिचुएशन में बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप उस चीज को आप मजीद फ्यूल कर रहे हो। जब कस्टमर एक बुरे इमोशन के साथ, एक नेगेटिव एनर्जी के साथ आता है, तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि आप एटलीस्ट पॉजिटिव एनर्जी से उसे एंटरटेन करें, उसे फैसिलिटेट करें। और जब आप पॉजिटिव एनर्जी से फैसिलिटेट करते हो, तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो एक एरिया है, पूरी स्टडी है, वो ये कहती है कि इमोशनली इंटेलिजेंट बंदा जो होता है वो पॉजिटिव बिहेवियर के साथ एक नेगेटिव एनर्जी को भी काम डाउन कर सकता है और उसे दोबारा से एक पॉजिटिव स्टेट में लेके जा सकता है। लेकिन अगर दोनों ही पार्टीज अगर नेगेटिव एनर्जी के साथ एक दूसरे से अगर बात करेंगे, कॉन्वर्सेट करेंगे, तो फिर चांसेस हैं कि दोनों ही जो है वो कॉन्वर्सेशन के अंदर किसी प्रोडक्टिव एंड पे ना पहुंच सके। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप इंटरनेट के ऊपर लोग एक दूसरे को लान तान करते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाइयां करते हैं, लेकिन कोई प्रोडक्टिव उसका सोल्यूशन नहीं निकल पाता। तो इस चीज का भी ख्याल रखना है कि आपने ब्लेम गेम नहीं करना और आपने कोशिश करनी है कि अपने आप को काम रखना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है व्हेनेवर यू डीलिंग विद योर कस्टमर्स। लास्ट में मैं बस एक दो पॉइंट्स और कहूंगा कि देखिए, जब कोई कस्टमर आपके पास कोई चीज लेकर आता है, कोई प्रॉब्लम लेकर आता है, तो आप रादर कि आप कैरेक्टर के ऊपर कोई कोई चीज सोचें कि कस्टमर, इस कस्टमर ने, फला कस्टमर ने आपसे यूं कहा तो आपने जो है वो ऐसे रिस्पॉन्स किया, या कस्टमर ने फला चीज कही तो आपने फला चीज कह दी आगे से, तो ये जो है ये प्रॉब्लम रेज होता है उस वक्त जब आप किसी के कैरेक्टर को लेकर आप कोई रिस्पॉन्स अपना क्रिएट करते हो या अपना रिएक्शन देते हो, बजाय इसके कि प्रॉब्लम क्या है। तो कोशिश करनी है कि इनिशियल प्रॉब्लम पे आपने स्टिक रहना है रादर, क्योंकि हम एज सेल्स पीपल, हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हमने कस्टमर को उसका सोल्यूशन देना है, और ये सोल्यूशंस हमेशा जो है वो पॉजिटिव चीजों का नहीं होता, बल्कि समटाइम्स एंगर का भी सोल्यूशन होता है, समटाइम्स फॉल्ट्स का भी सोल्यूशंस होते हैं, तो वो फॉल्ट समटाइम्स हमारी तरफ से भी होते हैं और समटाइम्स कस्टमर की जो नेग्लिजेंस है उसकी वजह से भी होते हैं। लेकिन कस्टमर ने हमेशा ये एक्सपेक्ट करना है कि आपकी वजह से ये प्रॉब्लम रेज हुआ है एंड देन यू आर गोइंग टू सॉल्व। सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि अगर तो आपकी वजह से हुआ है तो यू अपोलोजाइज एंड गिव देम अ सोल्यूशन राइट अवे विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर तो आपकी वजह से नहीं हुई है तो देन यू हैव टू ऑफर द राइट पाथ, आपको उसको सही तरीका बताना है कि सर देखें, और उसको आपने एजुकेट करना है, और उस पूरे दौरानिए में आपने खुद काम रहना है, खुद कंपोज रहना है, खुद गुस्से में नहीं आना। लास्ट में ऑल आई वॉन्ट टू से इज सी, जब लड़ाई होती है, जब झगड़ा होता है कस्टमर्स और स्टाफ का आपस में किसी बात पे, कोई बात हो गई, बात बढ़ गई, तो बात को बढ़ाने से रोकने के लिए बाज़ औक़ात यू कैन टेक अ ब्रेक। अगर ये बात फोन पे हो रही है, यू कैन टेल द कस्टमर कि सर मैं, आप थोड़ी देर में, अगर आपको गुस्सा आ रहा है और आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, यू आर ऑन द वर्ज ऑफ सेइंग समथिंग बैड टू द कस्टमर, ऑल यू कैन से इज सर आप प्लीज मुझे थोड़ी देर में कॉल करनी है, सर मैं आपको थोड़ी देर में कॉल कर लेता हूँ, लेट्स काम डाउन एंड लेट्स थिंक अबाउट अ सोल्यूशन, सर इसके बारे में एक सोल्यूशन निकालते हैं और हम देखते हैं कि हम इसके इसके लिए, इस प्रॉब्लम के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे आधा घंटा दे दें, आप मुझे 1 घंटा दे दें, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं आपकी तरफ दोबारा आ रहा हूँ, आप मुझे अपना नंबर बता दें, मैं आपको दोबारा कॉन्टैक्ट कर लेता हूँ। अगर तो आपसे वो चीज़ हैंडल नहीं हो रही, एंगेज योर सुपरवाइजर, अगर तो हैंडल हो रही है देन यू हैंडल योर सेल्फ। लेकिन खास तौर पे याद रखना है, इसको पर्सनली नहीं लेना, खास तौर पे याद रखना है, इसको सुनना है अच्छे तरीके से, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सॉल्व करना है, और ऑब्जेक्टिवली देखना है कि कस्टमर क्या प्रॉब्लम लेकर आया और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है, ठीक है। कन्फ्रंटेशन नहीं करनी, कस्टमर के लिए कन्फ्रंटेशन सबसे बड़ा एक चैलेंज हो जाता है जिसमें प्रॉब्लम्स पड़ जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ये एंगर मैनेजमेंट से रिलेटेड हमने एक छोटा सा एक सेशन किया, ऑनलाइन सेशन। इसमें अगर आपके कुछ सवालात हैं, कुछ सिचुएशंस हैं जिसके अंदर आपको नहीं मालूम कि आपने कैसे उसको हैंडल करना है, डू लेट अस नो बाय योर कमेंट्स, बाय योर ईमेल्स।
तो इंशाल्लाह फिर हम उन कमेंट्स के ऊपर, उन ईमेल्स के ऊपर एक और वीडियो बना के आपको एक सोल्यूशन बताएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने पीयर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।